सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप सभी ने अभी हाल ही के दिनों में बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की नई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के कई पोस्टर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गुंजन सक्सेना पर यह फिल्म बन रही है वो आखिर है कौन और उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या काम किया है? और अगर आप इनके बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो हमारा आज का ये एपिसोड आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना इंडियन एयरफोर्स की वो फीमेल पायलट हैं जिन्होंने आज से करीब 2 दशक पहले सन 1999 के कारगिल युद्ध में अपने जज्बे और शौर्य से एक नया इतिहास रचा था। इन्होंने महज 5 साल की उम्र में पहली बार एयरक्राफ्ट का कॉकपिट देखा था और तभी से इन्होंने ठान लिया था कि वे भी बड़े होकर पायलट बनेंगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना एक आर्मी ब्रैट है, क्योंकि इनके पिता और इनके भाई दोनों ही इंडियन आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस दे चुके हैं और इसलिए ये भी देश के अलग अलग हिस्सों में आर्मी कैंटोनमेंट्स में ही बड़ी हुई हैं। यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लगाव और देशभक्ति की भावना इनको विरासत में मिली है। गुंजन सक्सेना इंडियन एयरफोर्स के फीमेल पायलट्स के सबसे पहले बैच से हैं और इसके साथ ही वे इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल पायलट हैं जिन्हें वॉर जोन में तैनात किया गया था, क्योंकि पहले महिलाओं को वॉर जोन में जाने की इजाजत नहीं थी और न ही उन्हें फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जब सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तब गुंजन सक्सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो शायद उस समय किसी भी महिला के लिए कर पाना नामुमकिन सा था। और जब ये युद्ध हो रहा था तब इंडियन एयरफोर्स को पायलट्स की तत्काल जरूरत थी और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने महिला पायलटों को बुलाया था और उस समय इन महिला पायलट में सबसे आगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना थी और उन्होंने इस युद्ध के दौरान कई घायल सैनिकों की जान बचाई और सैन्य साजो सामान को सीमा पर ले जाने का काम किया और उनके इस साहस और बहादुरी भरे काम के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसके साथ गुंजन सक्सेना पहली विमेन है जिन्हें शौर्य चक्र मिला है और कारगिल युद्ध में अपने बहादुरी भरे कारनामे के लिए इन्हें कारगिल गर्ल का नाम भी दिया गया है। इस कारगिल युद्ध में फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने चीता हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया था और इसी दौरान अपने कौशल को दिखाते हुए इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे मिसाइल्स के हमलों को भी नाकाम कर दिया था और इन्होंने दुश्मन की हैवी फायर के बावजूद कई सारे सोल्जर्स की जाने बचाई और ऐसे बहुत से सोल्जर्स हैं जो इनके इस बहादुरी भरे कारनामे की वजह से ही वापस आ पाए हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना एक एयर वॉरियर होने के साथ साथ नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है और इसके साथ ही वे आज के समय में उन कई हजारों यंग वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स हैं जो इन्हीं की तरह देश के आसमान को सुरक्षित रखने का सपना देखती हैं। और आज कारगिल युद्ध को 20 सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने जो कारनामा करके दिखाया है उस कारनामे को ये देश कभी भी नहीं भूलेगा। और अगले साल रिलीज होने वाली इनकी बायोपिक आप जरूर देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।